टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा बड़ी मुश्किल में फंस गई हैं। महुआ के कई ठिकानों पर सीबीआई आज सुबह से छापेमारी कर रही है। कोलकाता में महुआ के पिता के घर पर भी सीबीआई की रेड होती है। पैसे के बदले सवाल पूछने को लेकर महुआ की संसद सदस्यता पहले ही जा चुकी है और अब लोकपाल ने सीबीआई को आदेश दिया है 6 महीने के भीतर वो इस मामले की रिपोर्ट दे। महुआ मोइत्रा पर बड़ी मुश्किल। महुआ के ठिकाने पर सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे। पैसे के बदले सवाल केस में एक्शन में सीबीआई। सीबीआई की टीम एक्शन में है और सीबीआई के एक्शन में आते ही महुआ की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दिल्ली से करीब 1550 किलोमीटर दूर सीबीआई ने कोलकाता में महुआ मोइत्रा के घर के साथ ही उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली से सीबीआई की एक टीम महुआ के पिता के साउथ कोलकाता के अलीपुर इलाके के फ्लैट पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त सीबीआई की टीम अलीपुर के फ्लैट पर पहुंची, महुआ वहां नहीं थी। पूर्व तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा का कलकत्ता के फ्लैट में हो रहे हैं तल्लाशी अभियान। आज सुबह 7 बजे आलीपुर 7A जजेस कोर्ट में जो फ्लैट है रत्नाबोली अपार्टमेंट जिधर महुआ मोइत्रा का पिता रहते हैं उस फ्लैट में सीबीआई के एक 8 से 9 जन का अधिकारी का आया है एवं 7 बजे में सब जो इंक्वायरी टीम है वो महुआ मोइत्रा का पिता के घर में घुसा है। 4 घंटे अतिक्रांत हो गया, अभी भी जो इंक्वायरी से इंक्वायरी हो रही है। कैश फॉर इंक्वायरी मामला को सामने रखकर हर जगह महुआ मोइत्रा का जो होम है उधर छापेमारी हो रही है। एसपी कोलकाता के इस फ्लैट में अलीपुर में छापेमारी चल रही है। कुछ घंटे पहले ही महुआ मोइत्रा के जो माँ है वो आए इधर, उसको लगातार जिज्ञासावाद जो प्रोसीड्योर होता है वो कर रही है सीबीआई का टीम। 7 से 8 जन का एक टीम अभी भी कलकत्ता का महुआ मोइत्रा का जो फ्लैट है अलीपुर में उस फ्लैट में घुसा है। अभी भी जो छापेमारी वो छापेमारी चला रही। सीबीआई की टीम ने घर के अंदर तलाशी ली और महुआ मोइत्रा की माँ से भी पूछताछ की। आखिर क्या है वो मामला, क्या है वो केस जिसको लेकर महुआ सीबीआई के रेडार पर है। कैश फॉर क्वेरी यानी संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप है महुआ पर। दरअसल लोकपाल ने 19 मार्च को कैश फॉर क्वेरी केस को लेकर सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए थे। साथ ही लोकपाल ने यह आदेश भी दिया था कि 6 महीने के अंदर सीबीआई केस की रिपोर्ट फाइल करे और हर महीने स्टेटस रिपोर्ट भी दे। लोकपाल के आदेश के बाद सीबीआई ने 21 मार्च को महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और 23 मार्च को ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। यू नो दैट ऑलरेडी एथिक्स कमिटी हैज सजेस्टेड फॉर द सीबीआई रेड एंड दैट्स व्हाई सीबीआई इज रेड, सीबीआई इंक्वायरी, सो सीबीआई इज रेडी, दैट इज देयर ड्यूटी। सो व्हाटएवर दे आर डूइंग परफेक्टली आई थिंक, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव यू नो दैट महुआ मोइत्रा हैज दैट एलिगेशन दैट शी हैज शेयर्ड द पासवर्ड ऑफ हर अकाउंट विद सम अननोन पर्सन। इसी केस में महुआ को 8 दिसंबर 2023 को संसद सदस्यता गंवानी पड़ी थी। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से आपको इस केस को समझाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले इस केस के किरदारों को समझना होगा। किरदार नंबर 1, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, वकील जय अनंत देहाद्राय, रियल एस्टेट कंपनी के सीईओ दर्शन हीरानंदानी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का रोल इस मामले को उठाने में अहम रहा है। मोइत्रा ने देहाद्राय के खिलाफ कई आरोप लगाए थे और पुलिस में शिकायत की थी। दूसरी ओर अनंत ने सीबीआई में मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। मामले का पर्दाफाश करने में अहम किरदार बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का है। ये केस तब सुर्खियां बना जब निशिकांत दुबे ने महुआ पर आरोप लगाए। 15 अक्टूबर को निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में निशिकांत दुबे ने महुआ पर आरोप लगाए कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे और गिफ्ट्स लिए थे। कैश फॉर क्वेरी के तीसरे सबसे अहम किरदार हैं रियल एस्टेट कंपनी के मालिक दर्शन हीरानंदानी। दर्शन देश के जाने माने कारोबारी हैं।
कैश फॉर क्वेरी का खुलासा करने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर यही आरोप लगाया था कि महुआ मोहित्रा ने सवाल के बदले दर्शन हीरानंदानी से पैसे और तोहफे लिए। निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कमेटी का गठन किया। निशिकांत दुबे ने ओम बिरला को लिखे लेटर में गंभीर विशेषाधिकार के उल्लंघन और सदन की अवमानना का मामला बताया था। कमेटी ने महुआ मोहित्रा, निशिकांत दुबे समेत कई लोगों के बयान दर्ज किए थे। विनोद सोनकर की अध्यक्षता वाली समिति ने 9 नवंबर को एक बैठक में कैश फॉर क्वारी के आरोप पर महुआ मोहित्रा की लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। कमेटी के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया था और दिसंबर 2023 में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, महुआ मोहित्रा पर दो तरफा मार पड़ी है। एक तरफ सीबीआई के छापे तो दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट के वकील और महुआ के पूर्व साथी जय अनंत देहाद्राय की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में तृणमूल कांग्रेस नेता मोहित्रा को कोर्ट ने समन जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। मोहित्रा के पूर्व साथी जय अनंत देहाद्राय की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोहित्रा ने राहत की मांग की थी, जिससे कोर्ट ने इनकार कर दिया। दूसरी ओर महुआ मोहित्रा ने अपने निष्कासन को गलत ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने महुआ की याचिका पर मई 2024 तक के लिए सुनवाई टाल दी। इधर विवाद के बावजूद ममता बनर्जी ने उनके ऊपर एक बार फिर भरोसा जताया है और महुआ मोहित्रा को पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से एक बार फिर से टीएमसी का उम्मीदवार बनाया है।